हाय गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रेडिबल इंडिया। मैं हूं नफीसा खान। तो हम आज जा रहे हैं कहीं पर, और कहां पर जा रहे हैं तो वैसे तैयार हो चुके हैं। और इरम को दिखाती हूं, इरम डांस कर रही है। करो, इरम ने डांस रोक दिया। तो हम बाहर जा रहे हैं, और कहां जा रहे हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो बस ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और ऐसे ही बहुत सारा प्यार देते रहें। तो चलिए चलते हैं, अब रेडी हो गए हैं फटाफट जल्दी से बाहर। गाइस, हमने कहा था ना कि हम कहीं जा रहे हैं, तो हम कहाँ जा रहे हैं? तो हम आ गए फाइनली सुरैया के घर। बहुत टाइम से आने का सोच रहे थे कि सुरैया के घर जाएंगे, लेकिन जाना हो ही नहीं पा रहा था। और हम आ गए फाइनली सुरैया के घर। और ये देखो, सुरैया की जो बेबी हुई थी ना, हमने दिखाया था, आपने मेरे ब्लॉग में देखा होगा, और अगर नहीं देखा तो वो ब्लॉग मैं यहाँ पे आई बटन में लगा दूंगी, तो आप जरूर देख लेना। और ये देखो इफ्रात में हम दोनों, और आपने बिल्कुल ऐसी फोटो आपने हमारा देखा होगा जो उस वाले ब्लॉग में, मैंने ऐसी इफ्रात को ले रखा है गोद में और हम ऐसी बातें कर रहे हैं ना इरम। ये और हम तीनों माँ बेटी, बस जब हमारा मन होता है हम कहीं भी मुंह उठाते और चले जाते हैं। है ना भाई? इफू देख, इफू देख रहा है, इफू देख रहा है। तो हम आ गए सुरैया के घर पर, और जब से इसकी बेटी हुई, जब से हम फर्स्ट टाइम आए यहाँ पर, और उससे पहले भी बहुत टाइम पहले आए थे, बहुत दिन से बोला हुआ था कि आ जाओ, लेकिन आना ही नहीं हो पा रहा था, लेकिन फाइनली हम आ गए यार। खून पी रही थी, खून पीने के लिए सुरैया का नहीं, सुरैया पीने के वाला खून। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कितना शुक्र करवाओगी अल्लाह का है? वैसे अल्लाह की रहमत बन के आ जाती है, बेटियां शुक्र करवाती रहती हैं भाई। ओ ये देखो, ओ मुंह फुला, क्या फायदा अब इसका? ये फायदा सुभान सुभान, और ये सुभान की अम्मा, और ये सुभान की बहना, ये गोल 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 गप्पा है भाई, और ये सुभान की बिल्ली नीलू। ओ ओ भैया, गुस्सा करेगी, गुस्सा। ओ सुभान तो गरीब है, वो सब उस वांग दौर खाती है। तो खाना खा लिया, और खाने को हम शूट नहीं कर पाए क्या खाया, लेकिन चिकन खाया, और बहुत मजे का चिकन बनाया था सुरैया ने, ऑलवेज वो बहुत अच्छा बनाती है। और उसके बाद ये चाय नाश्ता करा, और अब हमारे घर जाने का नंबर आ रहा है, अब हम घर जा रहे हैं और आपसे घर जाके मिलेंगे। और बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद आया है ना सुरैया, अच्छा लगा ना? तो बहुत टाइम के बाद आया, बहुत ज्यादा अच्छा लगा, और हमने सोचा भी ना, सडनली एकदम ही ना प्लान बन गया। वैसे हमारा अक्सर होता है कि अब आएंगे, कब आएंगे, अच्छा ठीक है 2 दिन बाद आएंगे, इस तरह से ना प्लान बनता रहता है, लेकिन सडनली हमने अच्छा लो सुरैया के यहाँ चल रहे हैं, और फिर अपना हम आ गए। तो बस बहुत अच्छा लगा, और चलते हैं घर पे, और घर पे क्या करेंगे वो भी आपको दिखाएंगे। तो गाइस, हम आ गए घर पर, और सुरैया के बहुत मजा आया और बहुत अच्छा लगा, बहुत टाइम के बाद गए थे इसलिए और भी ज्यादा अच्छा लगा। तो घर आकर मैं बनाने वाली हूँ गुलाब जामुन, क्योंकि इकरा का मन कर रहा है गरम गरम गुलाब जामुन खाने का, तो बस मैं वही चीज बनाने वाली हूँ। और मैं दिखाने वाली हूँ, ये मिक्सचर में लेके आई हूँ, ये बाय वन गेट वन है गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है, और इसे हम, ये बहुत ज़्यादा इजी होता है कि आपको कोई खोया और ये सब अगड़म शगड़म नहीं करना होता है, बस आपको इसे मिक्स करना है, इसके बॉल्स बनाने अच्छे से करके, और चाशनी बनानी है और उसमें डीप कर देना है, बस बहुत ज़्यादा इजी होता है। तो बाकी कैसे बनाते हैं, कैसे इसका प्रोसीजर, वो सब मैं आपको दिखाने वाली हूँ। और तो चलिए बनाते हैं गुलाब जामुन, और फिर उसके बाद करेंगे बहुत सारी बातें। बहुत सारी बातें, तो चलिए पहले हम इसे बना लेते हैं। हाँ, मैंने ले ली यहाँ पे शक्कर यानी कि चीनी, और मैं इसमें हल्का सा पानी डालकर मैं इसे पकने रख दूंगी। और ये जो मिक्सचर है मेरे पास, मैं इसे ओपन कर लेती हूँ, और जल्दी से हम इसे फटाफट मिक्स कर लेते हैं।
तो जी यहाँ पर हमने अपनी शक्कर जो कि चाशनी बनाने के लिए रख दी है और ये जल्दी से इतने मेल्ट होती है, इतने हम अपने गुलाब जामुन का जो मिक्सचर है उसे मिक्स कर लेते हैं और फिर उन्हें फ्राई कर लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पर ये पैकेट ओपन कर लेती हूँ मैं जल्दी जल्दी, बस ऐसी फाड़ा फोड़ी शुरू कर दी मैंने, लेकिन नहीं फाड़ना नहीं है, बस इसका कागज़ मैंने जल्दी से हटाया और इसे कट करके हम एक बाउल में इस जो ये मिक्सचर है वो ले लेंगे। और मैंने यहाँ पर ये बाउल में निकाल लिया और इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के, आप दूध से भी गून सकते हैं पानी से भी, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा पानी यूज़ किया है और इसे पानी से अच्छे से इसे गूंद लेना है। बहुत ही सॉफ्ट तरीके से आपको इसे मैश करना है और ना इसमें देखो मेरे ना हाथ चिपक रहे हैं, तो मैं सोच रही हूँ इसमें से निकाल के थोड़ा सा इसे अच्छे से पहले मिक्स करके फिर मैं इसे किसी प्लेट या थाली में अच्छे से ना ब्लेंड करूँगी, काफ़ी अच्छे से मल लूँगी, उससे ना अच्छे से ये जो मिक्सचर है ना वो मिक्स हो जाएगा। ये देखो मैंने यहाँ पर प्लेट में ले लिया और इसे अच्छे से यहाँ पर मल लूँगी और फिर हम इसके छोटे छोटे से इस तरह से मैंने पीसेस से करने शुरू कर दिए ताकि हमें अच्छे से जो बॉल्स हैं वो बनाने में इजी हो जाए। तो हमें अच्छे से बहुत ही बिल्कुल ये क्रेक ना हो, बहुत ही अच्छे से हमें इसे बॉल्स को प्रेस करके और अच्छे से सारी बॉल्स बना लेनी है। और फिर मैं कढ़ाई में ऑयल जो है वो मैं चढ़ा दूँगी गरम होने, ताकि जल्दी से ऑयल गरम हो जाए और हम अपने जो ये बॉल्स हैं इन्हें उसमें फ्राई कर लें। तो चलिए मैं बना लेती हूँ ये सारे बॉल्स पहले और फिर उसके बाद हम इन्हें फ्राई करेंगे, और फ्राई करने के बाद ये कैसे बनते हैं कैसे नहीं वो आप तो देख ही लेंगे वीडियो में, और देखते रहें। बाकी ये देखिए जल्दी जल्दी मैं इन बॉल्स को बना रही हूँ और जैसे कि मैंने बताया कि इन्हें ना बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट तरीके से बनाना है, क्रेक नहीं होने चाहिए। और यहाँ पर ये देखिए हमने कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल दिया था गरम होने और ये बन के तैयार हो गए हमारे रसगुल्ले और हमने डाल दी चाशनी में। इतने ही सॉफ्ट हो जाएंगे, इनका वेट करते हैं। अब हो गया सारा काम और रसगुल्ले बन गए। रसगुल्ले खा भी लिए, बहुत टेस्टी बने थे और गर्मा गर्म मज़ा आ गया। इतने से पैसे में इतने सारे रसगुल्ले बन गए तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया और सुरिया के यहाँ पर जाके बहुत मज़ा आया। अब फिलहाल मुंह हाथ धो के फ्रेश हो गए क्योंकि वो मेकअप शेकअप बिल्कुल अच्छा नहीं लगता ना नाइट में, अच्छे से फेस को वॉश करके सोना चाहिए। तो बस फेस वॉश वगैरह कर लिया और बस अब हो रही है सोने की तैयारी और ये वीडियो एडिट करूँगी, फिर उसके बाद ये ब्लॉग आपको कल देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे ही हमारे साथ हमारे मज़ेदार ब्लॉग्स के साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बहुत सारा प्यार दें हमें। तो बस अगर यहाँ तक आ गए हैं, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं लगे तब भी लाइक कर दीजिएगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय, अल्लाह हाफिज़।